Hey, ARGB fans, with great looks, vibrant color for budget PC builders like i3, i5, yeah, Ryzen 3, Ryzen 5. This is one of the best options in my opinion. I mean, if you are looking a very budget friendly, fascinating design, ARGB support CPU cooler, you will definitely like this one. Hey, Timir here, Lubol Tech की एक नया वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। But before that, अगर आपको इस तरीके का गेमिंग पीसी रिलेटेड वीडियोस देखने में मजा आता है, फ्री में एंजॉय करना चाहते हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो एंड हम लोग का जो छोटा सा लाइक है मैं सब अपडेट करना यार थोड़ा सा मदद कर दो, हम लोग का इंटरेक्शन का ये एक जरिया है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दैट वीडियो। आप लोगों से बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, तिमिर भाई सजेस्ट मी अ बेस्ट सीपीयू कूलर अंडर बजट सेगमेंट विच इज वेरी बजट फ्रेंडली, वेरी चीप बजट के अंदर मुझे एक ऐसा कूलर सजेस्ट करो जिसके अंदर ARGB का सपोर्ट मिल जाए, साथ ही साथ एक फैसिनेटिंग डिजाइन मिले, एज वेल एज बजट अंडर 2000, मतलब बहुत सस्ते के अंदर आपको सब कुछ चाहिए। नाउ ऑफ कोर्स यू कांट एक्सपेक्ट ऑल दिस फीचर्स फ्रॉम अ प्रीमियम ब्रांड एंड यू नो दिस गाइस, बट वहीं पे एंट्री मारते हैं सर्किल। अब सर्किल ब्रांड को आई होप आप लोगों से काफी लोग जानते भी हो। इनके कैबिनेट्स आर कम्स विद ऑसम ब्यूटीफुल डिजाइन लुक्स एंड द सेम ब्यूटी कम्स इनसाइड देयर कूलर। आई मीन जस्ट लुक एट द लुक्स, जस्ट हैव अ लुक द मिडिल पार्ट, द मिरर इफेक्ट, वाओ इट्स लुक ब्यूटीफुल। इन दिस सिनेमैटिक बी रोल यू कैन सी द ब्यूटी। कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये एक बजट सेगमेंट का कूलर है जो आपको 2000 से भी नीचे मिलता है। वेट, लेट मी एक्सप्लेन। इसका दो वेरिएंट आता है जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है, एक है CG 4P Duo और एक है CG 6P Duo। 4P Duo के अंदर बेसिकली आपको चार हीट पाइप मिलते हैं जिसका कॉस्टिंग 1799 का है। वहीं पे 6P Duo के अंदर आपको 6 हीट पाइप मिलता है जिसका कॉस्टिंग 1899 का है। द इंस्टॉलेशन प्रोसीजर आर आल्सो वेरी इजी। आपने अगर पहले कोई भी एयर कूलर का इंस्टॉलेशन कर रखे हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको मैनुअल की जरूरत नहीं है, और अगर आप बिगिनर हो तो हार्डली 10 मिनट लगेगा। वेरी इजी इंस्टॉलेशन प्रोसीजर एंड द ब्रैकेट्स आर आल्सो कम्स इनसाइड द बॉक्स। सभी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, AMD के साइड से, इंटेल के साइड से, आप चाहो तो 12th जनरेशन, 13th, 14th जनरेशन के साथ भी इसको माउंट कर सकते हो। AMD की तरफ से AM5 सॉकेट, इंटेल की तरफ से LGS 1700, दोनों को ही सपोर्ट करता है। दिस कूलर आर परफेक्ट फॉर दोस जिनको अपने स्टॉक कूलर से अपग्रेड करना है। बहुत ही बजट फ्रेंडली ऑप्शन के अंदर आपको प्रीमियम लुक्स चाहिए, ARGB सपोर्ट चाहिए जिसको आप अपने कंट्रोलर या फिर मदरबोर्ड से सिंक कर पाओ, आपको RGB का नशा करना है, स्टैटिक्स वाइज आपका पीसी ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, यस दिस इज द ऑप्शन। परफॉर्मेंस वाइज कैसे है? एज परफॉर्मेंस दिस कूलर्स आर गुड बट नॉट वेरी गुड। यस, स्टॉक कूलर अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको रिप्लेस करके आप इसको लगा सकते हो। इफ यू आर लुक अ वेरी बजट फ्रेंडली, ARGB सपोर्टेड, ब्यूटीफुल एस्थेटिक्स वाइज कूलर, देन दिस इज द ऑप्शन। फॉर टेस्टिंग पर्पस वी आर यूजिंग Ryzen 5 5600GT एंड द रिजल्ट आर ओके, ठीक ठाक। 100% लोड में CPU जब जाता है तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टर 20 मिनट्स 85 डिग्री टच होता है, मेंटेन रूम टेम्परेचर के अंदर व्हिच इज 25 to 26 degree, और वहीं पे कंपेयर करें स्टॉक कूलर के साथ तो टेम्परेचर 95 डिग्री जाता है, विच इज वेरी वेरी बैड। सो ये क्लियरली दिखता है अगर आप स्टॉक कूलर की जगह एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन इसको आपका पीसी के अंदर अपग्रेड करते हो तो आपका टेम्परेचर आप काफी हद तक मेंटेन कर पाओगे स्टॉक कूलर के कंपेयर में। एंड वहीं पे आपको ARGB का सपोर्ट मिल रहा है, प्रीमियम लुक्स के साथ आता है, मिरर डिजाइन आपको देखने को मिलता है इसके अंदर। सो यस, इन माय ओपिनियन अगर मेरी सजेशन की बात करो तो इस कूलर को आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपका बजट बहुत ज्यादा टाइट है, 2000 के अंदर आपको एक अच्छा एस्थेटिक्स वाइज CPU कूलर चाहिए, लुक्स आपका मेन प्रायोरिटी है, और उसके साथ साथ अगर टेम्परेचर मेंटेन हो जाए तो क्या ही कहने। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, इफ यू आर डिसाइड टू बाय दिस कूलर, द बेस्ट बाय लिंक इज अवेलेबल इन माय डिस्क्रिप्शन। एंड दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा, एंड द कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। आपका जो ओपिनियन है आप वहां पे कमेंट करके बताओ, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, सबको रिप्लाई भी करता हूँ। एंड इन केस मुझसे पर्सनली बात करना, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आपको यहाँ पे दिख रहा है, जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फॉलो वगैरह कर देना, मैं सबसे बात भी कर लेता हूँ। वीडियो यहाँ पे ही रहने देते हैं, मिलेंगे एक और नए एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज बी हैप्पी।